अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्पेशल मूंग की दाल का दही बड़ा। तो आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे, और अगर अच्छी लगे तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। यहाँ हमने एक कप हरी मूंग की दाल ली है, जिसे हमने 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दिया था। आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भी रख सकती हैं। पेस्ट, यहाँ हमने मूंग की दाल का एक पेस्ट बना लिया है, और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पुदीना। 1/2 टीस्पून हम डाल देंगे इसमें नमक, और नमक डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून चाट पाउडर। यहाँ डालने हैं हम बेकिंग सोडा, और ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसे 6 से 7 मिनट तक हम अच्छे से फेंट लेंगे। तो हमने यहाँ पे 5 से 7 मिनट तक इस बैटर को अच्छे से फेंट लिया है। अब हम इसके बना लेते हैं पकौड़े। हमने तेल को बहुत अच्छे से गर्म कर लिया है, और बैटर को थोड़ा थोड़ा सा हम इसमें डालते जाएंगे। हमारे पकौड़े दोनों तरफ से पकौड़ों को निकाल लेंगे, पानी में डाल देंगे, और 10 मिनट के लिए इसे हम पानी में ऐसे ही डला रहने देंगे। अभी इन पकौड़ों लगभग यहाँ 10 मिनट हो चुके हैं, और हमारे ये जो मूंग की दाल के पकौड़े हैं बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं। इसे ट्रे में सेट कर देंगे। यहाँ पकौड़ों को हमने सेट कर दिया है, साथ ही हम इसे यहाँ डाल देंगे दही, जो मैंने पहले से इसे फेंट लिया था। साथ ही हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी रेड चटनी। इसमें रेड चटनी डाल दी है इमली की, अब हम इसमें डालें साथ ही हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी ऐसी पापड़ी। कोई से पापड़ डाल सकती हैं आप। और लास्ट में हम इसमें डालेंगे थोड़े से डालेंगे हम यहाँ पर अनार के दाने। हम एक चुटकी यहाँ डाल देंगे चाट पाउडर, थोड़ा सा हम यहाँ डालेंगे हरा धनिया, यहाँ पर हरा धनिया। साथ ही हम यहाँ थोड़े से डाल देंगे टमाटर। ज़्यादा डालने के बाद लास्ट में हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी इमली की खट्टी मीठी चटनी। यहाँ हमारी मूंग की दाल का दही बड़ा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। आपने फ्रेंड्स बहुत बार दही बड़े बनाकर खाए होंगे, लेकिन आप मेरे तरीके से ये मूंग की दाल के दही बड़े बनाकर ज़रूर टेस्ट करें। ये बहुत ही टेस्टी हैं, और ये बहुत हेल्थी भी हैं। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर फॉलो करें, और रमज़ान में इसे ज़रूर बनाकर खाएँ।